हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डाटा के जरिए हमने अपने अस्तित्व का काफ़ी हद तक सही सही अनुमान लगा लिया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ मनुष्यों ने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हम आज तक खोज पाए हैं। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहां से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत बड़ा विशाल गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना हुआ था। इस पर जीवन का नामोनिशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद एक चट्टान के विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। यह वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। उस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे इस ग्रह का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक नया ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोले की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उड़ता पिंडों की भी बारिश हुई थी। प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में उड़ता पिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उड़ता पिंड अपने साथ कुछ खास चीज़ें लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल थे, जिसने हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया, और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस लेकर आए। परंतु धरती अभी भी बेजान थी। यहाँ अभी भी जीवन संभव नहीं था। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नहीं था और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। पर अब यहाँ परिवर्तन आने वाला था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर हमारी धरती पर उड़ता पिंड की बारिश हुई। परंतु इस बार ये पिंड ना केवल पानी लेकर आए, बल्कि ये अब की बार कुछ बेहद अनमोल चीज़ लेकर आए, जो धरती को नया जीवन देने वाला था। यह पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। प्रोटीन, कार्बन्स और अमीनो एसिड का भी अंतरिक्ष से समुद्रों की गहराई तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत गर्म था, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनियाँ थीं। साथ ही इन्होंने आपस में प्रक्रिया करके जीवन का आरंभ किया और यहाँ जन्म हुआ वन सेल ऑर्गेनिज्म का, जो कि एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब यह समुद्र के इन जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद समुद्रों के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थर जैसी संरचनाओं में बदल गए, जिसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। यह एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक एक बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन को पनपने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीवित ही नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुई थी, और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो केवल चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह पर कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टूटती गईं। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट होने के कारण ये छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ते गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। मगर तब समय के साथ यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी,
धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब दो भागों में टूट चुका था और धरती की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण लावा बाहर निकलने लगा था। इन विस्फोटों के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड धरती की चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल ना रह सका। इससे धरती का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम होने लगा और धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। लेकिन उस सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के प्रबलता यानी सिंगल सेल बैक्टीरिया अब कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों ओर समुद्रीय पौधे, ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्रीय जीव थे, एनोमेलोकेरिस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल की नई प्रजाति थे जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए थे। पिकाया, ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे ही थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में बेहद ही कुछ खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और कई भागों में टूटने लगा था, परंतु अभी भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले कोई जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो रहा था। फिर अब धरती के एटमॉस्फेयर में एक नई परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम ओजोन लेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिससे धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण हुआ जो हमें सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है, जिसके कारण धरती पर नन्हे जीव पल फूल सके। समुंदर में रहने वाली यह मछली टिटालिक, जिसने पहली बार समुंदर से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में किया और समय के साथ यह जमीन पर ज़्यादा रहने लगा, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास की इस प्रक्रिया के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लायक बन चुके थे। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब से पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स और मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का भी वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की 95% आबादी खत्म हो गई। इस अकाल के बाद कुछ जीव ही जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे और समय के साथ साथ फिर ये परिस्थितियों में सुधार आने लगा। धरती का एटमॉस्फेयर फिर से नॉर्मल होता गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले जब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई थी, ज्वालामुखी के विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पेंगिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज के जैसे दिखाई देने लगी थी। धरती पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और जो धरती पर सिर्फ 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाले थे। वे थे डायनासोरस,
डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को जिंदा बचा पाए थे। डायनासोरस की भी कई प्रजातियां थीं, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। डायनासोरस ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया, करीब 11 करोड़ साल तक धरती पर इनका शासन रहा। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोरस कहाँ गायब हो गए और इंसान कहाँ से आए? तो ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।